दूसरी बड़ी खबर बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान जबरदस्त क्रॉस वोटिंग की खबर है। खबर है कि जेडीयू के 19 आरजेडी और कांग्रेस के एक एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। पटना में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। ऐसे बीच बीजेपी और जेडीयू की महिला विधायकों के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। इनमें से एक हैं जेडीयू के विधायक मंजू देवी और दूसरी हैं बीजेपी के विधायक भागीरथी देवी। तमाम विधायक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आपको बता दें कि राज्यसभा की दो सीटों के लिए जेडीयू ने पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियावी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ जेडीयू के कुछ बागी विधायकों ने दो निर्दलीय उम्मीदवारों अनिल शर्मा और साबिर अली को मैदान में उतारा है। लालू ने कल इन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बताया था। दोनों उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा करके उनके घर से नॉमिनेशन हुआ, सुशील मोदी के घर से। दोनों के दोनों कैंडिडेट जो है वहाँ, चाहे साबिर अली हो या कोई वो बिल्डर साहब हो, और जो लोग इधर उधर पैसा लिए होंगे ले रहे होंगे हम नहीं जानते, हॉर्स ट्रेडिंग जो हुआ है। आज वोटिंग के दौरान विधायक भी एक दूसरे पर फ्लैट लेने के आरोप लगाते दिखे। दिल्ली में फ्लैट सुरक्षित हो गया, अभी आगरा आप अनिल शर्मा सही ना आप लोग कर रहे हैं, तो सुरक्षित हो गया आप लोग का मत कीजिए। पटना में ठीक है, वही लोग सुरक्षित कर रहा है जो विधायक नहीं बनने वाला है। आप लोग विधायक नहीं बनने वाला है, इसलिए फ्लैट सुरक्षित कर रहा है। माना जा रहा है कि लालू के समर्थन के बावजूद जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग से नीतीश कुमार के उम्मीदवारों का खेल बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।